गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ज्योति शर्मा, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। कल हमने क्लास सिक्स का साइंस का चैप्टर फर्स्ट रीड किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, बट पहले हम उसका कुछ समराइज करते हैं। जैसे कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इस तरह से हमने चैप्टर फर्स्ट को कुछ समराइज किया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बच्चों, पहले मैं आपको क्वेश्चन बोलती हूँ, आप उसके आंसर करोगे। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? क्विक आंसर बच्चों, मुझे लगता है आपने आंसर सोच लिया होगा, इसीलिए मैं अब इसका आंसर करवाती हूँ। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर है नहीं। अब हम इसका पांच पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। क्विक आंसर बच्चों, क्विक। अब मैं आपको इसके आंसर बताती हूँ। जैसे गाजर, गाजर की हम जड़ का उपयोग खाने के लिए करते हैं। मूली, मूली की जड़ का प्रयोग खाने के रूप में होता है और पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है। बैंगन, बैंगन को फल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मटर, मटर की फली तथा बीज दोनों का उपयोग होता है। टमाटर, टमाटर को फल के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन थर्ड करेंगे। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे। इसका क्वेश्चन क्या है? कॉलम फर्स्ट में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम टू से कीजिए। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में है दूध, दही, पनीर, ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से, अर्थात ये जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सभी सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ, ये क्या है बच्चों? क्विक आंसर। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी, शाकाहारी पशु कौन से हैं? जो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, अर्थात पौधों से बने हुए उत्पाद या पौधों की पत्तियों को खाते हैं। अब बच्चों हम क्वेश्चन फोर्थ करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अर्थात हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो हमें इनमें फिल अप करने हैं। बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। क्विक आंसर बच्चों, बाघ क्या खाता है? क्विक आंसर, बाघ एक मांसाहारी पशु है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? क्विक आंसर, क्विक, इसीलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तोता केवल एक
डैश उत्पाद खाता है? क्विक आंसर, क्विक। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। हम क्या पीते हैं बच्चों? हम दूध पीते हैं जो हमें गाय, भैंस और बकरी से मिलता है। हमें चीनी डैश से मिलती है। क्विक आंसर, हमें चीनी गन्ने से मिलती है। इस तरह से बच्चों हमने चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर किए। आशा करती हूँ आप इन्हें लर्न करोगे और अपनी फेयर नोटबुक में राइट करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।